आरआरबी की फार्मासिस्ट की कट ऑफ क्या होने वाली है इस साल, जानेंगे संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। आप लोगों की लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, इवन कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर इस बार जो आरआरबी फार्मासिस्ट की हमारी टोटल 246 पोस्ट आ चुकी है, 246 पोस्ट आई है, उसके लिए इस साल हमारा कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो बच्चा लोग, आज के इस सेशन में हम यही बात करेंगे कि हमारी कट ऑफ कहां तक जा सकती है। इसको हम कंपेयर करेंगे कि जो 2019 में कट ऑफ गई थी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, उसके आसपास की हमारी इस साल भी कट ऑफ जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, उनके माध्यम से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी और आरआरबी के नोट्स से संबंधित, साथ ही साथ बुक से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप डाउनलोड कीजिएगा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जोन वाइज हमारी वैकेंसीज आती हैं तो जोन वाइज ही हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारा कट ऑफ क्या क्या गया था। अगर हम बात करें आरआरबी अहमदाबाद जोन की, हम यहां पर बच्चा लोग बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स की, जो रेगुलर शॉर्ट लिस्टेड थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिन कैंडिडेट्स को कॉल गया था, मींस की बुलाया गया था, ठीक है, जो शॉर्टलिस्ट हुए थे। हमारा मेन पर्पस है फार्मासिस्ट ग्रेड का, कि फार्मासिस्ट की क्या कट ऑफ गई थी, उसी को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 58.86 यहां पर हमारा गया था कट ऑफ, एससी कैटेगरी का 53 गया था, एसटी का 41 गया था, ओबीसी का 57 गया था और ईडब्ल्यूएस का हम देखें तो 53.90, ठीक है। एससी में 41.48, ओबीसी में 57.8 और ईडब्ल्यूएस में 53.9, ये जो है बेसिकली कट ऑफ गया था और इसी के आसपास ही कट ऑफ रहने वाला है। आपको मैं बता देता हूं, एक जो भी हमारी कट ऑफ गई थी 2019 में, उसके अंदर देखा जाए तो प्लस माइनस 5 होगा, यानी कि 5 ऊपर बढ़ सकता है या फिर 5 कम हो सकता है, उसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। अगर हम बात करें आरआरबी अजमेर की, तो यहां पर जो हमारी कट ऑफ गई थी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की फार्मासिस्ट ग्रेड थ्री की, यहां पर जनरल कैटेगरी में 61.90 गई थी, एससी कैटेगरी में 52.38 गई थी हमारी कट ऑफ, एसटी कैटेगरी में 51.7 गई थी, ठीक है, ओबीसी का कोई क्लारिफिकेशन था नहीं और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58.50 यहां पर कट ऑफ गया था इनका अजमेर जोन का। अब बात आ जाती है हमारी आरआरबी इलाहाबाद जोन की, तो बच्चा लोग मैं आपको बता दूं, अब ये आपका प्रयागराज से नाम से जाना जाता है क्योंकि नाम चेंज हो गया है इलाहाबाद का। यहां पर अगर हम बात करें कट ऑफ मार्क्स की, तो फार्मासिस्ट ग्रेड थ्री में हमारी डीएलडब्ल्यू एनसीआर और एनआर तीन रीजन से वैकेंसीज आई थी, तो यहां पर अगर बात करें डीएलडब्ल्यू की, तो यहां पर हमारी जो जनरल कैटेगरी थी उसकी कट ऑफ 58.86 गई थी, एससी कैटेगरी की 48.58 गई थी और एसटी कैटेगरी की 30.14 गई थी। वहीं पर अगर एनसीआर रीजन की बात करें तो 56.73 कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की 51.7 गई थी कट ऑफ, ओबीसी कैटेगरी में 55.31 और ईडब्ल्यूएस में 54.60। इसी तरीके से अगर हम बात करें नॉर्दर्न रीजन एनआर की, तो यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए 59.21, 51.06 गई थी एससी कैटेगरी की, एसटी की 38.29 गई थी, ओबीसी कैटेगरी की 56.38 गई थी और ईडब्ल्यूएस की 55.31 इसकी जो है कट ऑफ गई थी। वहीं पर अगर हम बात करें आरआरबी बेंगलुरु की, ठीक है, आरआरबी बेंगलुरु की, तो फार्मासिस्ट की जो हमारी यहां पर कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी में 52.12 गई थी, एससी कैटेगरी में 43.97 और ओबीसी कैटेगरी में 51.41 और ईडब्ल्यूएस में 48.58 ये कट ऑफ गया था। बच्चा लोग मैं फिर से बताता हूं, 2024 की अगर बात करें तो प्लस माइनस 5 होने वाला, या तो बढ़ेगी 5 नंबर तक या फिर 5 नंबर तक कम होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो शॉर्टलिस्ट हुए थे हमारे कैंडिडेट्स, उसकी बात करें तो फार्मासिस्ट ग्रेड थ्री में 57.80 गया था जनरल कैटेगरी का, ठीक है बच्चा,
और एससी कैटेगरी में 45.035 गई थी। वहीं पर अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें 53.90 और ईडब्ल्यूएस की 52.48 गई थी। क्या कट ऑफ। अब बात करी जाए भोपाल रीजन की, तो यहां पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की फार्मासिस्ट ग्रेड में जनरल कैटेगरी की 55.67 गई थी, ओबीसी कैटेगरी में 54.96, ईडब्ल्यूएस में 49.64 कट ऑफ गया था। ठीक है, इसी तरीके से भुवनेश्वर रीजन की बात करें तो फार्मासिस्ट की यहां पर जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की 61.56 गई थी और ओबीसी की 53.7415 गई थी। ठीक है बच्चा, फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चा लोग, प्लस माइनस 5 होने वाला है आपका इस साल 2024 की कट ऑफ के लिए। बिलासपुर रीजन की बात करें तो फार्मासिस्ट हमारा सेंट्रल रीजन से और एसईसीआर से आया था दो जगह से। तो अगर सीआर की बात करें तो 67.0 गया था इसका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ और एसटी कैटेगरी का 48.63 गया था। वहीं पर बात की जाए फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की, तो यहां पर एसईसीआर कैटेगरी से तो यहां पर 59.86 गई थी हमारी कट ऑफ, क्योंकि सिर्फ जनरल कैटेगरी से ही वैकेंसीज आई थी। अब बात आ जाती है हमारी आरआरबी रीजन चंडीगढ़ की, तो यहां पर फार्मासिस्ट के लिए जो कट ऑफ गई थी 67.68 गया था जनरल कैटेगरी का, एससी कैटेगरी में 55.78 था, एसटी कैटेगरी में 45.91 था और ईडब्ल्यूएस में 54.76 था। ठीक है, तो ये कट ऑफ गया था चंडीगढ़ में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का। चेन्नई रीजन की बात की जाए तो बच्चा लोग फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के लिए जनरल कैटेगरी में 62.58 थी कट ऑफ, एससी में 54.76 थी, एसटी में 51.70 था, ओबीसी में 61.22 यानी कि 22, और अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस की तो 51.36। ये जो है बेसिकली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की कट ऑफ थी जो कि चेन्नई रीजन से आई थी। अब अगर हम बात करते हैं सीधा सीधा गोरखपुर रीजन की, तो यहां पर फार्मासिस्ट एमसीएफ और एनईआर दो रीजन में आया था दो कैटेगरीज में। तो फर्स्ट एमसीएफ की बात करें जनरल कैटेगरी से ही वैकेंसी आई थी, 52.38 इसकी कट ऑफ गई थी। और नेक्स्ट एनईआर जोन में जो आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 3 का वैकेंसी था जनरल कैटेगरी की 60.54 इसकी कट ऑफ थी, एससी कैटेगरी में 45.91 थी, ओबीसी कैटेगरी में 52.72 थी और ईडब्ल्यूएस में 45.57 थी इसकी कट ऑफ। अब आगे बढ़ जाते हैं गुवाहाटी रीजन की बात करते हैं, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में हमारी जनरल कैटेगरी की 57.14 गई थी कट ऑफ, 49.65 एससी कैटेगरी की गई थी, ओबीसी कैटेगरी की 53.40 गई थी और ईडब्ल्यूएस में 50% में सिलेक्शन हो गया था। नेक्स्ट आता है जम्मू, जम्मू रीजन की बात करें तो यहां पर फार्मासिस्ट एनआर और आरसीएफ दो रीजन में आया था। फर्स्ट एनआर की बात करें नॉर्दर्न रेलवेज की, तो यहां पर जनरल कैटेगरी में 58.51 कट ऑफ गई थी, एससी कैटेगरी में 42.19, एसटी में 35.81, ओबीसी में 53.90 और ईडब्ल्यूएस में 51 यहां पर कट ऑफ गया था। नेक्स्ट आरसीएफ की बात करें तो इस कैटेगरी में जो पोस्ट आई थी जनरल कैटेगरी में 57.80 और एसटी एससी कैटेगरी में 32.97 ये कट ऑफ गया था। कोलकाता रीजन की बात कर लेते हैं, तीन अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई थी सीएलडब्ल्यू, ईआर और एसईआर। सीएलडब्ल्यू में जनरल कैटेगरी में 57.48 यहां पर कट ऑफ गया था, एसटी कैटेगरी में 44.55 गया था और ओबीसी में 56.46 गया था कट ऑफ। फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड आई थी जो हमारी ईआर रीजन में ईस्टर्न रेलवेज में, तो 59.86 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी, 58.16 एससी कैटेगरी की थी, एसटी कैटेगरी की 54.55 थी, ओबीसी कैटेगरी की 54.08 थी और ईडब्ल्यूएस की 56.46 यहां पर कट ऑफ गई थी। नेक्स्ट आता है एसईआर कैटेगरी में 59.18 कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की, 51.7 गई थी एससी कैटेगरी की और ओबीसी में गई थी 52.38 ये जनरल कट ऑफ गई थी। ध्यान रखना प्लस माइनस 5 होने वाला है इस बार, या तो 5 नंबर ज्यादा या 5 नंबर कम पे आपका सिलेक्शन होगा। मालदा रीजन की बात करें तो फार्मासिस्ट ईस्टर्न रेलवेज में
जनरल कैटेगरी में 43.53 कट ऑफ था और 37.07 एससी कैटेगरी में था। एसईआर कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी से ही वैकेंसीज आई थी और 46.25 इसका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था। मुंबई रीजन की बात करें तो यहां पर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसीज का कट ऑफ गया था, सेंट्रल रेलवेज की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में 55.67 था, एससी कैटेगरी में 53.19, एसटी कैटेगरी में 54.60, ओबीसी कैटेगरी में 53.19 था कट ऑफ। वहीं पर फार्मासिस्ट ग्रेड थ्री की वेस्टर्न रेलवेज की बात करें, 56.73 जनरल कैटेगरी में था कट ऑफ, एससी कैटेगरी में 51.77 था, एसटी कैटेगरी में 48.22 था, ओबीसी में 52.12 कट ऑफ गई थी और ईडब्ल्यूएस में 53.19 यहां पर जनरल कट ऑफ गया था सामान्य तौर पर अगर मैं बताऊं। फिर आ जाती है बात हमारी पटना रीजन की। पटना रीजन में हमारा फार्मासिस्ट ग्रेड के लिए जो वैकेंसीज आई थी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की, एसटी कैटेगरी में 41.49 कट ऑफ गया था और एसटी कैटेगरी में 30.27 एक कट ऑफ गया था। अब बात आ जाती है रांची की। तो फार्मासिस्ट ग्रेड टू की ईसीआर कैटेगरी में सिर्फ जनरल कैटेगरी से वैकेंसीज आई थी, 51.06 यहां पर कट ऑफ गया था और एसईआर रीजन में यहां पर एससी कैटेगरी में 35.1 और ओबीसी की बात करें तो 57.44 ये कट ऑफ गई थी फार्मासिस्ट ग्रेड थ्री की एसईआर कैटेगरी में रांची में। मुजफ्फरपुर की बात करें फार्मासिस्ट ग्रेड थ्री की जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ था 55.31 था और एसटी कैटेगरी के लिए 35.46 था। अब बात आ जाती है सिकंदराबाद की। दो कैटेगरीज में आई थी ईसीओआर और एससीआर। ईसीओआर की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 63.26 था, एससी के लिए 60.20 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 58.50 कट ऑफ गया था। एससीआर की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में 63.26 था, एसटी के लिए 49.65 और ओबीसी के लिए 63.26 ये कट ऑफ गया था। ध्यान रहे प्लस माइनस 5 2024 में चलेगा जो ये हम कंपेयर कर रहे हैं 2019 के कंपैरिजन में कट ऑफ का। और लास्ट रीजन है हमारा सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में जो फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसीज आई थी जनरल कैटेगरी की 53.19 कट ऑफ गई थी और ओबीसी कैटेगरी की 47.87 कट ऑफ गई थी। तो ये थी हमारी 2019 में डिफरेंट रीजंस में जो हमारे अलग अलग जोन्स में कट ऑफ गया था उसके बिहाफ पे मैंने आपको कंपैरिजन बताया। इस साल हमारा प्लस माइनस 5 हो सकता है 2024 के लिए आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए, जो टोटल 246 पोस्ट आई है आपकी आरआरबी फार्मासिस्ट की, तो इसके लिए तो इसीलिए बच्चा लोग आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, कट ऑफ की टेंशन मत लीजिए। तैयारी अच्छी रहेगी तो कट ऑफ में सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा इंडिया की मोस्ट डिमांडेड बुक जो की है मिशन फार्मासिस्ट। इसके अंदर पिछले 30 सालों के पेपर इंक्लूडेड किए गए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सकती है और ये अपडेट है 2023 तक के पेपर के। चाहे आप एक स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके माध्यम से आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी क्योंकि ये आपके फार्मासिस्ट पैटर्न के बिहाफ पे है। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के जरिए से भी, जिसके ऊपर कैश ऑन डिलीवरी यानी कि सीओडी अवेलेबल है। साथ ही साथ फार्मेसी इंडिया बहुत ही जल्द लेकर के आ रहा है आरआरबी फार्मासिस्ट सक्सेस किट, जिसके अंदर 7000 से भी ज्यादा टोटल एमसीक्यूज होने वाले हैं, 30 से भी ज्यादा मॉडल पेपर्स होने वाले हैं। स्पेशली फोकस किया गया है नॉन फार्मा सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट वाइज 1500 से भी ज्यादा टॉपिक्स इसके अंदर होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स इंक्लूडेड किए गए हैं और 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आपको टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में इसके जरिए मिलेंगे। आप जो है बेसिकली इसको ऑर्डर कर सकते हैं, सामने स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे होंगे उसके माध्यम से, और साथ ही साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। अभी हो सकता है आपको फ्लिपकार्ट पे ये ना दिखे जस्ट बिकॉज की आउट ऑफ स्टॉक चला गया है, ऑर्डर्स इतने सारे हो गए हैं, तो आप प्री बुकिंग कर सकते हैं जो सामने स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, इवन डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आपको लगता है कि आपके टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, क्लास की रिक्वायरमेंट है, तो आप जुड़ सकते हैं फार्मासिस्ट जुलाई बैच के साथ जिसकी क्लासेस ऑलरेडी 22 जुलाई से शुरू हो चुकी है। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं।
आपकी कोई क्वेरी है या एनरोल करने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और साथ ही साथ इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और आरआरबी के नोट्स और बुक से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।